नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय, राकेश टिकैत ने दिया आंदोलन तेज करने की चेतावनी। राजीव बनर्जी की टीएमसी में वापसी पर भड़के पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी, बताया ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक समेत कई नेता भाजपा में शामिल। जर्मनी के चांसलर मर्केल से पीएम मोदी की मुलाकात, वैक्सीनेशन आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को मिलेगी राहत। प्रियंका का महिलाओं को साधने के लिए फिर चुनावी ऐलान, सरकार बनी तो 3 मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा का वादा। जिन्ना की चर्चा पर घिरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, भाजपा का आरोप देश तोड़ने वाले का कर रहे महिमा मंडन। नकली नोट का झांसा देकर 90 लाख की लूट करने वाला गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने एक को वाराणसी से दबोचा। अखिलेश यादव ने की अमरोहा में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की हत्या की निंदा, बोले यूपी में सरकार फरार। दिवाली से पहले सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए महंगी, लगातार दूसरे महीने पड़ी महंगाई की मार। इजराइल की सड़कों, बच्चों से लेकर बड़े सभी बन गए जॉम्बी, दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कोविड पॉजिटिव, आखिरी बार जो बाइडेन के संपर्क में आई थी। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे 8 चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों के बीच फिर बढ़ा तनाव। पाकिस्तानी बैंक पर साइबर हमला, हैकर्स ने सबसे पहले बैंक पर लगाई सेंध, सेवाएं हुई प्रभावित। दलाई लामा ने की तिब्बत की परिस्थितियों पर ध्यान देने की अपील, चीन कर रहा प्राकृतिक संसाधनों को दोहन। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को लगाई लताड़, बोले मानसिक तौर पर कमजोर है टीम। इरफान पठान बोले विराट कोहली ने खिलाड़ियों के साथ विश्व कप में नहीं किया सही, ऐसा करना गलत। भारत के पूर्व कप्तान ने कहा सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि पूरी टीम और कोच हुए हैं फेल। कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी तक सब कुछ घट गया, हर मैच पर औंधे मुंह गिरी है इंडिया टीम। शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की हार पर कहा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चमत्कार के अलावा कुछ नहीं होगा। न्यूजीलैंड से हार के बाद टीम इंडिया के बचाव में उतरे अर्जुन कपूर, बोले कोई भी हारना पसंद नहीं करता। राजकुमार राव ने किया खुलासा, बोले पत्रलेखा को मैं अपनी फिल्म के कैरेक्टर की तरह नीच आदमी लगता था। सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए रजनीकांत, घर पहुंचकर शेयर की पहली तस्वीर। जेल से आने के बाद आर्यन खान की सुरक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, शाहरुख खान और गौरी ने लिया ये बड़ा फैसला।
अर्जुन कपूर की द लेडी किलर में नजर आएंगी भूमि पेडनेकर, फिल्म में फीमेल लीड किरदार में है। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबर के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।